राम राम दोस्तों, मारवाड़ी जुगाड़ से आप एक बार भले स्वागत है। हूँ थारो साथी रावताराम। और तो आज आप होना ये कहानी मारवाड़ी बात विक्रम 42 20वीं कहानी। और कहानी उन प्रकार है, चित्रकूट नगर में एक राजा रहता हो। वो एक दिन हिकार खेलने गयो जंगल में, घूमते घूमते वो एक दिन रस्तो पातर गयो, अकेलो रह गयो। थक हार ने एक पेड़ सियाम बैठो और बटे हो गयो। तो भी होते होते ने एक ऋषि री कन्या दिखाई दी। तो अभी हमें देख राजा भी मत मोहित हो गयो और थोड़ी देर ऋषि वो खोदी बटायो। आज पूछियो कि आप कौन हो और अठे की करो। तो राजा आप परिचय दियो और कहो कि हूँ भाई हिकार खेलन आयो और मेरे हाथ ही अब पंतरीज गया अटे हूँ वहीं पंतरीज गिरण वास्ते ढूंढो हूँ। तो ऋषि कहो कि बेटा थुआ जीवों ने मार पर क्यों पाप कमावे और आज यहाँ जीव मारना छोड़ दे तो तुमने मांग जकी चीज मिली। तो राजा बादो कियो कहो भाई हूँ आज पसे कदे हिकार नहीं करूँ, नहीं कोई जीवन सताऊँ मारूँ। तो ऋषि कहो हम तेरे मांगने वजह मांग ले। तो राजा कहो कि आप कन्या है जकी आमन परना दो। तो ऋषि खुश हो दो ब्याह कर दियो और बोले बटों बैर गयो। तो बहते बहते रस्ते में एक भयंकर राक्षस मिलो भी नो में मैंने कहो भाई के हूँ इन्हें मार पर तेरी रोनी दिखाऊँ। हमारा राजा तो बचन ले उड़ो कोई प्राणी ने मारन नो मारे की कर। पर राक्षस कहो अगर थूसा वे तीन बसा सके कि हाथ दिन और मोह मोह एक ब्राह्मण पुत्र लान बलिदान कर दे जो को आपकी इच्छा हूँ आवन चाहे। और बिंग माता पिता मारते टाइम बिंग हाथ पैर पकड़ मेरे कने रखे थो तेरे हाथों मार मन दे तो हूँ छोड़ दूँ। तो राजा डरते वहाँ भर लियो। आज दीवान ने कहो मैल में आए परोन के भाई मैं हूँ तो एडी बात हुई और रस्ते में एडो रागिस आयो बेण हूँ कॉल करना आयो। तो दीवान कहो इन थे टेंशन नहीं करनी व्यवस्था हूँ कर दे। तो दीवान के कियो कि एक हाथ पर टाबर हुए इतनी मोटी होने की मूर्ति बनाई। इतनी मोटी मूर्ति बनाई और भी ने गणा गोंटा फेरा दी नगर में गांव गांव में फेराई घुमाई। कहो कि जो कोई हाथ पर रोटाबर आपकी इच्छा हूँ दे और भी ने मारते टाइम माँ बाप हाजिर हुए बिन हाथ पग पकड़े राजा मार रागे समझाई। तो भी ने हो गांव दे दो ना होने की मूर्ति दिखा दो। तो आ खबर हूँ एक हाथ पर रोटाबर जो को हाजिर उगियो और माँ बाप ने कहो कि मेरे शरीर राजा की भलाई उजी थारे गरीबी मिट जी थोने छोरा बड़ा गणाई मिली कहीं को नहीं थे मेरे शरीर अर्पण कर दो। तो माँ बाप पहला तो मोनिया को नहीं पास बैठ घनी टाबर हट करने वे मान लिया और बिन लेन राजा कने गया। तो राजा लेन बन राक्षस कन गयो हेंगो ने और माँ बाप हाथ पकड़िया एंड राजा तलवार उठा जो मारना हो तो वो बाड़क जो को जोर जोर हंसियो। तो ये तो कहन बेताल बोलियो कि हे राजा हम थे ही बताओ कि वो मौत माते आई दे टाबर हंसियो क्यों। तो राजा झट जवाब दियो कह भाई हर आदमी डर रहे आगे रक्षा रे वास्ते आप रे माँ बाप ने पुकारे और माँ बाप नहीं हुए तो पड़ी मतलब दुखियों की मदद वास्ते राजा आगे आवे। राजा नहीं हुए तो कोई देवता नहीं हेवरे पर अट तो हैंग इंगे विरुद्ध खड़ा है राजा जो को खुद मारना और तलवार लिए उबाए माँ बाप जगह हाथ पग पकड़े उबाए और वो राक्षस है जगह एक भक्षण वास्ते उबोए और ब्राह्मण नो लड़को है जगह परोपकार वास्ते आप रो शरीर दे इनी खुशी उबो हंसियो। तो इतनी बात सुन वो बेताल बटे मंत्र ध्यान उगियो राजा भड़े जाए भी ने पकड़ ले ना आवे और रस्ते में तो भड़के कहानी होनावे। तो बाहनो अगले भाग में जड़ता ही मेरे चैनल थे
सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर घंटे वाला बटन दबा लो तो आवन वाले वीडियो नोटिफिकेशन थोन कने हैंगों पहला पुगे और मेलो एक नवे वीडियो रहते भले जेड तो राम राम खमा घनी जय श्री कृष्णा।